थैंक यू सो मच मौली, तुमने ये सीन क्रिएट करके मेरा काम इजी कर दिया है। जी मानस भी इसी वक्त आ गया। पत्नी को ऐसे देखकर किसी पति का भी दिमाग फट सकता है। राम जी भली करना। मौली, राहुल कैसे गिर गए तुम लोग? उठो उठो, चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? हाँ मैं ठीक हूँ। मौली हाँ, ये सब ऐसे क्या हो रहा है यहाँ? मम्मा वो सीढ़ी पे चढ़ के थान के कपड़े निकाल रही थी, सीढ़ी फिसल गई और नीचे राहुल था। क्या ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना तुम? दिखाओ जरा मुझे। मैं ठीक हूँ। ओके राहुल, ऑल ओके? या ऑल ओके। गुड। मानस ने कितनी समझदारी दिखाई। उसकी जगह कोई और होता तो घर सर पे उठा लेता। ओके मूड चेंज। मौली ये तुम्हारे लिए। हैप्पी होली। चलो सभा समाप्त। राहुल चलो। यस मैम। मेरे लिए नहीं, वैसे तो ये फूल मैंने मौली के लिए लिए हैं, लेकिन इस पे पहला हक तो तुम्हारा बनता है ना। जितना मैं मौली को जानता हूँ ना, मैं जितना भी एफर्ट डालूं वो मुझे ना माफ करेगी ना एक्सेप्ट करेगी। उसका ये जो एटीट्यूड है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ऑल, उसकी इन्हीं सब अच्छाइयों को उसके अगेंस्ट यूज करना है और उसे सबकी नजरों में बुरा बना देना है। इट्स अ मेंस वर्ल्ड मानस। लड़के चाहे जितनी भी गलतियां कर ले, बस एक बार जाकर सॉरी बोलना है उन्हें। और सोसाइटी लड़की से और वाइफ से एक्सपेक्ट करती है कि वो अपने हस्बैंड को माफ कर दे। अगर वो ऐसा ना करे या शादी तोड़ दे तो सबकी नजरों में लड़की ही बुरी बनती है। जाओ दे दो मेरे फ्लावर्स उस मौली को। क्या हुआ? तुम बताओ मानस, क्यों कर रहे हो ये सब? मैं क्या कर रहा हूँ? कल खाना बनाने लग गए, आज ये फूल लेकर आ गए। इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं। तुम्हें खुश करना चाहता हूँ, तुम खुश हो ही नहीं रही हो। और तुम्हारे इन एक्शन से मैं होने वाली भी नहीं हूँ। मैं अच्छे से जानती हूँ मानस, तुम इतना एफर्ट करने वाले लड़के नहीं हो। जो नहीं हो वो मत बनो ना मानस। पापा ने मुझसे कहा एक चांस देने के लिए, आई एम गिविंग इट, बट तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। फिर तुम ही बता दो मैं क्या करूं। जस्ट बी नॉर्मल, जैसा पहले थे वैसे ही रहो ना। इन सब एफर्ट से मुझ पे प्रेशर मत डालो। टाइम है हमारे पास, जल्दबाजी नहीं करते हैं। टाइम ही तो नहीं है मौली, मुझे यह ड्रामा एंड करके पापा की प्रॉपर्टी लेनी है और यहां से निकल जाना है। आई अंडरस्टैंड, बट ट्रस्ट मी, मेरे एफर्ट्स तुम पे प्रेशर बनाने के लिए नहीं थे। आई नो
दादी तुम्हें प्रेशराइज कर रही है, पर उनके बारे में मत सोचो। तो मुझे तभी एक्सेप्ट करना जब तुम्हें दिल से लगे कि मैं तुम्हें डिजर्व करता हूँ। ऐसा ना लगे तो इन सब के बाद भी अगर मुझे ये लगे कि तुम वो इंसान हो ही नहीं जिसके साथ लाइफ बिताई जा सके, कभी भी छोड़ सकते हो, धोखा दे सकते हो, पलट सकते हो। आई नो आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाई है मैं। तुम्हें भी याद होगा क्या क्या कहा था तुम्हें मैंने। आज मेरे पापा को तुमने मुझसे छीना, कल उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लोगी, यही है ना तुम्हारा मास्टर प्लान? तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा ये वो, तो बोल दो ना, टाइम क्यों वेस्ट कर रही। मतलब तुम चाहते हो कि मैं मना कर दूं? नो, नॉट एट ऑल। मैं खुद तुम्हारे पास आया हूं, मैं तुम्हें नो बोलने के लिए क्यों कहूंगा? मैं तो बस इतना चाहता हूँ, ऑल आई वांट, कि तुम डिसीजन खुद लो, सोच समझ के लो पूरी लाइफ का सवाल। बाहर वालों की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। तुम्हें जो करना है अपने मन से करो, दैट्स ऑल। जब दिल से निकली बातें सुबह तक आते आते बदल जाती है, तभी सच दिख ही जाता है बोलने वाले की आंखों में। तुम्हारे शहर में तो अड़ोस पड़ोस के लोग भी आपस में कोई मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन हमारे शहर में किसी एक घर में बर्तन गिरता है ना, तो 10 घरों में उसकी आवाज गूंजती है। हमें समाज के हिसाब से चलना पड़ता है, और उज्जैन का समाज आज भी यही कहता है कि लड़की और लड़का आपस में दोस्त नहीं हो सकते। अगर मिंदी के लड़के दोस्त घर पर आए तो 10 लोग 100 तरह की कहानियां बनाएंगे। दादी ब्रो, कहानियां बनाने वाले तो वैसे ही कहानियां बनाएंगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें सच पता है, तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर घर में लड़की से मिलने कोई लड़का आता है तो ये हमारे परिवार, शहर और समाज का तौर तरीका, परंपरा और चलन नहीं है। बट दादी ब्रो, आप बस, बात खत्म। तुमने दुनिया देखी है और हमने दुनियादारी समझी है, हमारी समझ में जो सही है वही बोल रहे हैं। पर उनके आने का प्लान तो ऑलरेडी बन चुका है, अब क्या करूं मैं? क्यों, तेरे मुंह में जुबान नहीं है? मना कर दे उन लोगों को, चाहे जैसे मना कर, तेरी मर्जी, पर मना कर दे उन्हें। यस, ऐसे ही एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी मुझे। तो मैं ऐसी फैमिली से बोनस पॉइंट्स नहीं कमाते रहने दे सकता हूं मौली। अब देखो कैसे एक ही बार में तुम्हारा गेम ओवर करता हूं। अरे तुम तीनों यहां पर हो तो अजंता किधर है? उसका काम तो सिर्फ चाय बनाने का था ना। कल तो मेरी छुट्टी है, होली पे चाय कौन पीता है? त्योहार पर नौकर चाकर को छुट्टी दी जाती है, परिवारजनों को नहीं। बहुत सारे पकवान बनाने हैं, किसी एक जन के बस की बात नहीं है, सभी को मिलजुल कर का काम करना होगा। हमने ज्योति को सब बता दिया है, वो तुम लोगों को बता देगी। बता दिया माँ जी, मैं अपनी स्पेशल वाली गुजिया बनाऊंगी। अरे वाह तन्वी बेटा, तुम्हारी बनाई हुई गुजिया का स्वाद अभी तक हमारे मुंह में है। एक बात बताओ, गुजिया बनानी याद भी है कि भूल गई? याद है पापा जी, जीजी ने जब मुझे रेसिपी बताई थी तो मैंने अपनी डायरी में लिख ली थी। ठीक है, तुम गुजिया बना रही हो तो मैं बालूशाही बना देती हूँ, बिल्कुल जानकी माँ के तरीके से। मैंने तो बर्फी की तैयारी की है, उसे बनाओ या रहने दो? अरे क्यों नहीं बनाओ, जरूर बनाओ बेटा। एक काम करते हैं, चारों बहुएं अपनी पसंद की मिठाई बनाती, और जिसकी मिठाई का स्वाद हमारे मुंह में आखिर तक रहेगा उसे हम नेक देंगे। चलो शुरू हो जाओ।
ज्योति, होलिका के थाक की तैयारी हो गई है ना? जी माँ। ठीक है, तुम लोग करो काम। वैसे तन्वी, चीनी भी मीठी होती है, किसी को मिठाई बनानी नहीं आती तो कटोरी में चीनी परोस दे। स्वरा, देखना जरा। हाँ आई। ऑनलाइन तो हजारों रेसिपीज पड़ी, कोई भी इजी पिक कर लूंगी। नॉट दिस वन। What? क्या क्या कर क्या रही हैं? तुमने क्या किया? बालूशाही के लिए जो दही रखी थी वो खा गई। What? I'm really sorry. मुझे नहीं पता था ये दही उस डिश में यूज होनी। अरे रहने दो, सब पता है तुम्हें। तुम्हारी आदत है दूसरों का काम बिगाड़ने की। पहले तन्वी की बनाई सब्जी में अंडा डाला, अब मेरी मिठाई का दही खा गई। फॉर द लास्ट टाइम, मैंने नहीं डाला था वो दमालू में अंडा। और ठीक है, दही है ना, नहीं मंगा लो। हाँ तो जाओ लेकर आओ, पैसे दूं, दुकान देखी है तुमने, जाओ लेकर आओ, जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। जी जी शांत हो जाइए, मैं गोलू को कह के दही मंगवा लूंगी। अरे गोलू क्यों लेकर आएगा, इसने खाई है ना दही, यही लेकर आएगी, निकलो। जी जी दही तो है, आ जाएगा ना। ठीक है ज्योति, गोलू से कहना कि जल्दी ले आए। जी। ये लो, इसे भी चाट लो फिर। खूबसूरत बला। All set for होली। जितने भी रंग के कलर थे ना सब ले आया। Bro, ये जो जितने भी कलर्स है ना इन सब में केमिकल्स हैं। तो होली के रिटर्न गिफ्ट में स्किन इन्फेक्शन देके जाएंगे। तो इसका मतलब होली नहीं खेलेंगे राहुल? क्यों नहीं बनाएंगे भी होली? होली खेलने वाले रंग हम घर पे बनाएंगे। रंग घर पे भी बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते? बचपन में हम जब होली खेलते थे हम सब भाई मिलकर घर पे ही कलर बनाते थे। बिल्कुल सही कहा दादा, मैंने तो तैयारी भी कर रखी है, इन्हें पीस के रंग बनाएंगे। वाओ, मतलब अब तो कलर्स 100% ऑर्गेनिक हो जाएंगे। मेहंदी, गुलाब, गेंदा सब है। नहीं, लेकिन इसमें तो मेहंदी मिली हुई है, मेहंदी का रंग इतनी आसानी से जाएगा नहीं। यही तो हम चाहते हैं माँ। आपको याद है बचपन में कैसे आप रंग छुड़ाने के लिए इतने सारे जुगाड़ कर लेती थी? लेकिन ये मेहंदी का रंग जो है 10 दिन से पहले निकलने का नाम ही नहीं लेता था। और हम सब एकदम बंदर बन के घूमते थे। लेकिन इतना मजा आता था। और अक्कू याद है कैसे रोता रहता था? 10 दिन तक अपनी शक्ल शीशे में नहीं देखता था वो। अरे शीशा छोड़ो, वो तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलता था, बोलता था कोई और रंग लगा देगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.